मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक बहुत ही मार्मिक कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी का टाइटल है द हैप्पी प्रिंस, जिसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। सबसे पहले हम इस कहानी के टाइटल के बारे में जानेंगे। द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी का मतलब होता है खुश या फिर खुश मिजाज, और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा, एक खुश मिजाज राजकुमार। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ऑस्कर वाइल्ड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड का बर्थ हुआ था 16th ऑफ अक्टूबर 1854 को और इनकी मृत्यु हुई थी 30 नवंबर 1900 को। दोस्तों, अब आप इस स्लाइड में ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत ही हैंडसम फोटोग्राफ आसानी से देख पा रहे होंगे। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश पोएट थे, यानी कि वे आयरलैंड से बिलोंग करते थे, और ऑस्कर वाइल्ड अपने एपिग्राम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। एपिग्राम का मतलब होता है सुक्तियां, यानी कि कम शब्दों में कोई बहुत ही अच्छी या पते की बात कहना ही एपिग्राम कहलाता है। अब हम बात करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क के बारे में, जैसे कि द क्रिटिक एस आर्टिस्ट, अ हाउस ऑफ पोमोग्रेनेट्स एंड द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरी कहानी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। शहर के एक ऊंचे स्थान पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति होती है। वह पूरी मूर्ति सोने के पत्तों से जड़ी हुई होती है। हैप्पी प्रिंस की आंखों में दो बड़े बड़े नीलम होते हैं और उसकी तलवार के सर पर एक बहुत ही बड़ी गहरे लाल रंग की रूबी होती है। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को सभी बहुत ही ज्यादा पसंद करते, क्योंकि वह मूर्ति वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वहां के टाउन काउंसलर यानी कि नगर के पार्षद उस मूर्ति को दिखाकर लोगों से वाहवाही लूटते और अपने आर्टिस्टिक टेस्ट को बताते, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उन्हें ये लगता था कि मूर्ति किसी काम की नहीं है, और वह उस मूर्ति को हटा भी नहीं सकते थे क्योंकि लोग उन्हें कहीं अव्यवहारिक ना समझे। पास में एक बच्चा चांद के लिए रो रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए ये कहती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें हैप्पी प्रिंस जैसा बनना चाहिए। हैप्पी प्रिंस कभी भी किसी चीज के लिए कभी नहीं रोया करता था। तभी एक निराश व्यक्ति उस मूर्ति की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार कोई तो विश्व में है जो खुश है। गिरजाघर से निकलता हुआ एक बच्चा मूर्ति को देखकर यह कहता है कि मूर्ति कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो ये किसी फरिश्ते की मूर्ति हो। तब पास खड़े मैथमेटिशियन टीचर उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक तो कोई फरिश्ता नहीं देखा है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये मूर्ति किसी फरिश्ते जैसी लगती है। तब बच्चा जवाब देता है कि हाँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने सपनों में फरिश्ते को जरूर देखा है और ये मूर्ति ठीक उसी फरिश्ते जैसी दिखाई पड़ती है। तब मैथमेटिशियन टीचर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वह अपनी बहुओं को उठा लेते हैं और बच्चे को बहुत ही कठोर नजरों से देखते हैं। वह यह जताना चाहते हैं कि बच्चे का जो सपना है वह सच नहीं है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको इस स्लाइड में दो पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। पहला पक्षी है स्वालो, जिसे हिंदी में अबाबील पक्षी भी कहा जाता है, और दूसरा पक्षी है रीड, जिसे हिंदी में गोरैया चिड़िया भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कहानी में स्वालो पक्षी जो है वह एक मेल है और रीड पक्षी एक फीमेल है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक रात को एक छोटा सा स्वालो पक्षी शहर में उड़कर आया। उसके सभी दोस्त 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन वह अभी तक नहीं गया था क्योंकि उसे एक रीड पक्षी से प्यार हो गया था। उसने उस पक्षी को पहली बार वसंत के दिनों में देखा था, जब वह नदी के किनारे घूम रहा था। जैसे ही स्वालो ने उस रीड को देखा, वह उसे देखते ही अट्रैक्ट हो गया, और खासकर जब उसने उसकी पीली कमर को देखा तो वह और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया और उसके बारे में सोचने लगा। स्वालो हमेशा रीड के बारे में बात किया करता। एक बार स्वालो ने पूछा, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? तब रीड ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर स्वालो उसके आसपास उड़ता रहा, मंडराता रहा
और अपने पंखों से सिल्वर कलर के तरंगे पानी में बनाता रहा और उसे ये जताता रहा कि वह उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। कुछ स्वालो पक्षी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसका प्यार कितना ज्यादा बचकाना है। उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस चिड़िया से संबंध रखना चाहता है। हालांकि पूरे नदी में बहुत सारी चिड़ियाएं थी, लेकिन फिर भी वह उस चिड़िया के पीछे था। आखिरकार पतझड़ का समय आ जाता है। यह वह समय है जब सभी चिड़ियाओं को उस जगह से उड़ जाना होता है। अब सब लोग उड़ चुके होते हैं। उसके पास कोई भी नहीं होता बात करने के लिए। उसे अकेलापन सा लगने लगता है। वो वहां पर इसीलिए था क्योंकि वह उस चिड़िया से प्यार करता था। बीच में उसे यह डर भी लगने लगा कि जिस चिड़िया से वह बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वह किसी और से प्यार करती है। इतने में ही हवा चलती है और उन हवाओं में बहुत ही मजे से गोरैया चिड़िया यानी कि रीढ़ चिड़िया मजे से उन हवाओं में गोते खाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो उन हवाओं को बहुत ही ज्यादा मजे से पसंद करती है। आखिरकार उसे यह समझ में आ गया कि वह चिड़िया बहुत ही ज्यादा घरेलू है और वह उसके साथ नहीं चल सकती। लेकिन उसे तो घूमना पसंद था, उसे तो इधर उधर जाना पसंद था, लेकिन उसे उस चिड़िया से भी बहुत ही ज्यादा प्यार था। अब उसे यह सोचना था कि वो वहां पर ही रहे या फिर वहां से उड़ चले। स्वालो ने बड़ी हिम्मत करके रीड से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन रीड ने अपना सर ना महला दिया और कहा कि मैं अपने घर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मामूली लगते हो, उसने कहा। यह बात सुनकर स्वालो रोने लगा। अब मुझे पिरामिड पर उड़कर जाना है, मैं चलती हूँ, अलविदा। और यह कहकर वो वहां से चली गई। स्वालो सारा दिन उड़ता रहा। रात के समय वे एक शहर जा पहुंचा। मुझे कहाँ बैठना चाहिए, उसने कहा। शहर ने जरूर मेरे लिए कोई बैठने की व्यवस्था की होगी। तभी उसे एक स्टैचू दिखाई दिया। हाँ, मुझे यहाँ बैठ जाना चाहिए, मुझे यहाँ से ताजी हवा भी मिलेगी और ये एकदम सही जगह है बैठने के लिए। और यह कहते हुए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों में जाके बैठ गया। जैसे ही स्वालो सोने के लिए जा रहा था, उसने अपने आसपास देखा। तब उसे लगा कि आज तो उसे सोने का कमरा मिला है सोने के लिए। वह बहुत ही खुश था। उसने अपने सर को अपने पंखों के नीचे दबाया और सोने के लिए जैसे ही वह तैयारी कर रहा था, तभी उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी। वह एकदम चौंक पड़ा। आसमान तो एकदम साफ है, फिर ये पानी की बूंद भला कहां से आई? यूरोप का क्लाइमेट भी दिन ब दिन भयानक होता जा रहा है। तभी उसके मन में रीड का ख्याल आया। उसे बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन तभी वह यह भी सोचने लगा कि वह उस मतलबी चिड़िया के बारे में आखिर क्यों सोच रहा है। इतने में ही पानी की बूंद एक और गिरती है। क्या मतलब इस स्टैचू का अगर ये मुझे पानी से नहीं बचा सकता? मुझे यहाँ से उड़ जाना चाहिए। पास ही एक चिमनी है, लगता है मुझे वहीं पर बैठना चाहिए। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे ही वह अपने पंख खोलने के लिए उड़ता है, तभी पानी की एक बूंद उस पर फिर गिरती है। आखिर क्या है? वह ऊपर देखता है। हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू थे और वह आंसू उसके सुनहरे गालों से लगातार नीचे गिर रहे थे। चांद की रोशनी में हैप्पी प्रिंस का चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। स्वालो उसे देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो और तुमने रो रो कर मुझे गीला क्यों कर रहे हो? जब मैं जिंदा था तब मेरे पास भी दिल था, और तब आंसू क्या होते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैं अपने महल में बड़े शान और शौकत के साथ रहता था। वहां पर दुख का आना भी संभव नहीं था। मैं दिन में अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेला करता था और शाम के समय में मैं डांस करवाया करता था और खूब नाचा करता था उस बड़े से हॉल में। गार्डन के आसपास बुलंद दीवारें थीं, लेकिन मैंने कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उन दीवारों के परे क्या है। मेरे आसपास सभी चीजें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और सभी लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर पुकारते थे, क्योंकि वाकई मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और मैं हमेशा ही खुश रहा करता था। मैं खुशी के लिए ही जिया हूँ और मैं खुशी के लिए ही मरा था। अब मैं मर चुका हूँ और उन्होंने मुझे शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया है। मैं यहाँ से शहर की सारी गंदगी बुराइयां देख सकता हूँ। क्योंकि अब मेरा दिल लेड धातु का बना है, इसलिए मेरे पास
रोने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं बचा है। क्या ये खरा सोना है? सोलो ने पूछा। हैप्पी प्रिंस ने गाने वाली आवाज में कहा, यहाँ से बहुत दूर गली में एक गरीब का मकान है। मैं उस मकान में एक खिड़की खुली हुई देखता हूँ और उस खिड़की के पास एक टेबल है जिस टेबल के पास एक महिला बैठी हुई है। उसका मुंह छोटा और खुरदरा है, उसके हाथ लाल लाल है क्योंकि वह सुई का काम करती है, क्योंकि वह एक दर्जी है। उसने सेटिन के गाउन पर एक बहुत ही सुंदर सा फूल काढ़ा जिसे महारानी जी पहन सके अपने आने वाले समारोह में। कमरे के कोने में उसका बेटा बीमार पड़ा हुआ था, उसे पूरे शरीर में बुखार था और वह संतरा मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए सिवाय नदी के पानी के लिए। वह लगातार रोए जा रहा था। स्वालो, ओ स्वालो, क्या तुम मेरी तलवार से रूबी निकालकर उसे दे आओगी, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। लेकिन मैं तो इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ, सोलो ने कहा। मेरे दोस्त नाइल नदी के ऊपर से उड़कर आते ही होंगे, और हाँ, उनके पास बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स भी हैं, और वह जल्द ही राजा के बड़े से ताबूत में सो जाएंगे। राजा भी उसी ताबूत में सोया हुआ है, उसके पूरे शरीर को येलो कलर के कपड़े से बांधा गया है और उसने अपने गले में ग्रीन कलर की एक मसालों की माला पहन कर रखी है। उसके हाथ किसी मुरझाई हुई पत्तियों के समान दिखाई दे रहे हैं। स्वालो, उस स्वालो, प्रिंस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक रात रुकोगी और मेरी संदेशवाहक बनोगी? वह बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यासा है और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा उदास। मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद है, स्वालो ने जवाब में कहा। पिछली गर्मियों में मैं जब नदी के किनारे रहा करता था, वहाँ पर दो बहुत ही असभ्य लड़के थे। वह मिलर के बच्चे थे और वह मुझ पर हमेशा पत्थर फेंका करते थे, लेकिन वह कभी भी मुझे कोई भी पत्थर मार नहीं सके, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जो उड़ता हूँ। मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली से आता हूँ और मेरी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा इज्जत है। हालांकि वह मुझे मार नहीं पाए, लेकिन मैं इस बात को अपनी बेइज्जती मानता हूँ। हैप्पी प्रिंस बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर स्वालो को भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि बाहर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन छोटी स्वालो ने यह निर्णय लिया कि वह उसके साथ रात भर रुकेगा और न सिर्फ रुकेगा बल्कि उसका मैसेंजर भी बनेगा। प्रिंस ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटी स्वालो। स्वालो ने अपनी चोंच में रूबी को दबाया और शहर के ऊपर से उड़ान भर दी, और वह कैथेड्रल के ऊपर से उड़ता हुआ, जहां पर मार्बल से दो पर्यायें बनी हुई थी, उनके ऊपर से उड़ता हुआ आगे बढ़ चला। स्वालो आगे उड़ता है, तब उसे एक डांस की आवाज सुनाई देती है। तब वह नीचे देखता है तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी प्रेमी के साथ नीचे खड़ी हुई होती है। लड़का कहता है कि देखो ये तारे कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। तब लड़की कहती है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और हमारा प्यार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। लड़की आगे ये कहती है कि मुझे ये आशा है कि मेरी ड्रेस बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी, ताकि मैं उसे स्टेट के फंक्शन में पहन सकूँ जहाँ पर सब लोग डांस करते हैं। तब आदमी ने यह जवाब दिया, उसके प्रेमी ने यह जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनवाने के लिए दी है, जिस पर मैं एक बहुत ही खूबसूरत फूल बनवा रहा हूँ, लेकिन दर्जन बहुत ही ज़्यादा आलसी है। और फिर स्वालो और भी ज़्यादा आगे उड़ता है और नदी के ऊपर से उड़कर वहाँ से जाता है। नदी के पास उसे एक शिप दिखाई देता है जिस जहाज पर लालटेन टंगी हुई होती है। वह फिर और आगे उड़ता है और यहूदियों की बस्तियों से ऊपर से उड़कर निकलता है। वह यह भी देखता है कि कुछ लोग मोलभाव कर रहे हैं और कुछ लोग कॉपर के यानी कि तांबे के सिक्कों को तराजू में तोल रहे हैं, और आखिरकार वह उस गरीब के घर पहुंच ही जाता है। बच्चा बुखार में तड़प रहा था और उसकी माँ थक हार कर सो चुकी थी। तब स्वालो ने अपनी चोट से रूबी को उतार कर उस टेबल पर रख दिया और फिर वह उस बेड के ऊपर से उड़ने लगा, बहुत ही हौले हौले से, धीरे धीरे से। और फिर उसने अपना पंखों को बड़े ही आराम से बच्चे के सर पर रखा और उसके सर को देखा। तब बच्चे ने कहा, क्या मैं तुम्हें ठंडा लग रहा हूँ? मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊँगा। और उसने जैसे ही अपनी यह बात खत्म की, वह एक मीठी नींद में
सो गया। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। स्वालो फिर हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस आया और उसने अपनी पूरी बात हैप्पी प्रिंस को बताई। उसने यह भी बताया कि अब उसे हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, हालांकि ये पूरा ठंड का मौसम है, ठंड का समय है। तुम्हें गर्मी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, हैप्पी प्रिंस ने कहा। तब स्वालो उसके बारे में सोचते सोचते उसे नींद लग गई क्योंकि उसे सोचना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जैसे ही अगला दिन हुआ तो स्वालो उड़कर नदी के किनारे गया और वहां पर उसने नहाया। वहां पर एंटोलॉजी के एक प्रोफेसर यानी कि एक पक्षी विशेषज्ञ भी थे और वह ब्रिज के पास से वहां से गुजर रहे थे। क्या बात है सर्दियों में स्वालो, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। और उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा लेटर वहां के लोकल न्यूज़पेपर को लिख दिया और उन्होंने ऐसी सारी बातें कह दी जो कोई भी नहीं समझ सकता था। आज रात में इजिप्ट के लिए रवाना हो रहा हूँ, स्वालो ने कहा। इस बात को लेकर वह बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसने आसपास की सभी घूमने वाली चीजों को घूम लिया था और उसने एक लंबा समय चर्च के ऊपर बने घंटाघर में भी बिताया था। वह अपने आसपास गोरैया चिड़ियाओं को चहचहाते हुए सुनता। वे आपस में बातें करती कि हमसे अलग दिखाई देने वाला अनजान व्यक्ति कौन है। इस बात को सुनकर स्वालो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाया करता था। चांद निकल आया था। चांद के निकलते ही स्वालो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया ताकि वह इजिप्ट जाने से पहले कुछ समय हैप्पी प्रिंस के पास गुजार सके। और जैसे ही वह हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा वो वहां पर रोने लगा। स्वालो स्वालो ओ छोटी स्वालो, प्रिंस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते? मैं तो इजिप्ट जाने की तैयारी कब से कर रहा था, स्वालो ने कहा। मेरे सभी दोस्त अब तक तो दूसरे झरने तक भी पहुंच गए होंगे। वहां पर बहुत सारे सरकंडे हैं। वहां पर ग्रेनाइट पत्थर का एक राज सिंहासन रखा हुआ है जिस पर भगवान मैमोन बैठते हैं। हम सारी रात तारों को देखते हैं और दिन में भी हम तारों को देखते हैं, जिसे देखने पर हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, आनंद आता है। फिर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। और जब शाम हो जाती है तब शाम के समय हमें येलो कलर के लायंस यानी कि शेर दिखाई देते हैं। वह वहां पर पानी पीने के लिए आते हैं। उनकी आंखें ग्रीन यानी कि हरे कलर की हो जाती हैं और वो इतनी तेजी से दहाड़ते हैं कि किसी झरने की आवाज से भी उनकी दहाड़ तेज सुनाई पड़ती है। स्वालो ओ स्वालो ओ छोटी स्वालो, हैप्पी प्रिंस ने कहा। शहर के एक दूसरे किनारे पर एक अटारी है। उस अटारी के पास एक डेस्क है और उस डेस्क पे आसपास बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं और स्याही का एक दवात रखा हुआ है। वहां पर एक जवान आदमी उस डेस्क पर झुका हुआ है। उसके बाल भूरे कलर के हैं और उसके होंठ एकदम अनार की तरह लाल हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी है और उसकी आंखों में कुछ सपने हैं। वे अपने काम को खत्म करना चाहता है। वह एक थिएटर का डायरेक्टर है लेकिन क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वह अपने काम को नहीं कर पा रहा। उसे जरूरत है आग की और भूख के मारे वह धीरे धीरे बेहोश भी हो रहा है। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, स्वालो ने कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। क्या मैं तुम्हारे पास रूबी ले जाकर उसे दे दूं? तब हैप्पी प्रिंस ने कहा, अब मेरे पास कोई भी रूबी नहीं बची है। अब तो मेरे पास मेरी केवल ये दो आंखें ही बची है। इन दोनों आंखों में बेशकीमती नीलम जड़े हुए हैं जिन्हें हजारों सालों पहले भारत देश से यहाँ पर लाया गया था। एक काम करो, इन दोनों नीलमों को निकाल कर ले जाकर उसे दे दो। वह यह नीलमों को ज्वेलर को बेच देगा और जिससे वह खाना और जलाने के लिए लकड़ियां ले सकेगा और उसके बाद वह अपना काम खत्म कर सकेगा। प्यारे राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस बात को कहते कहते स्वालो रोने लगा। स्वालो ओ स्वालो ओ छोटी स्वालो, वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है, हैप्पी प्रिंस ने कहा। स्वालो ने हैप्पी प्रिंस की आंखों से नीलम निकाले और फिर वह अटारी की तरफ उड़ चला। वहां पर जाना बहुत ही ज्यादा आसान था क्योंकि अटारी की छत पर एक बहुत ही बड़ा होल था जिसके जरिए वह रूम में आसानी से दाखिल हो गया। वहां पर एक जवान आदमी था जिसने अपने सर को अपने हाथों में दबाकर रखा हुआ था, इसीलिए उसने पंखों की आवाज नहीं सुनी।
लेकिन फिर जैसे ही उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसके आसपास दो बहुत ही खूबसूरत नीलम रखे हुए थे जो लगातार चमक रहे थे। लगता है ये किसी मेरे चाहने वाले ने पूछे दिए हैं, अब मैं अपना प्ले आसानी से लिख सकता हूँ, यह कहते कहते वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। अगले दिन स्वालो बंदरगाह पे पहुंचा, वहां पर जाकर वह एक बड़े से बर्तन के ऊपर बैठ गया और आसपास के नजारे को देखने लगा। वहां पर लोग बाग रस्सियों से सामान खींच रहे थे और आवाज लगा रहे थे, हे वहो हे वहो, इस प्रकार की आवाज वे सभी वहां पर लगा रहे थे। अब मुझे इजिप्ट जाना चाहिए, स्वालो ने कहा, लेकिन इस बात से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही शाम हो जाती है, चांद दिखने लगता है, तो वह फिर से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है ताकि वह उसे आखिरी बार गुड बाय कह सके। स्वालो, ओ छोटी स्वालो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकती? ये सर्दी का समय है और बहुत ही जल्द यहाँ पर बर्फ भी गिरने लगेगी, स्वालो ने कहा। वहीं इजिप्ट में इस समय अभी सूर्य निकला होगा और वहां पर सभी और गर्मी का मौसम होगा। वहां पर हरे भरे ताड़ के पेड़ हैं, वहां पर मगरमच्छ मिट्टी में लौट रहे होंगे और मेरे सभी दोस्त बाल्बिक टेंपल में अपना घोंसला बना रहे होंगे, जिसे देखकर वहां के कबूतर आपस में गुटरगु कर रहे होंगे। प्यारे प्रिंस, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। हाँ, मैं अगले वसंत यहाँ पर जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए दो बहुत ही खूबसूरत जवाहरात भी लेकर आऊंगा। वह जवाहरात किसी लाल गुलाब से भी अधिक लाल होंगे और किसी समुद्र से भी अधिक नीला नीलम मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नीचे चौराहे पर एक दिया सलाई बेचने वाली लड़की खड़ी हुई है। दिया सलाई का मतलब होता है मैच स्टिक। उसकी सभी मैचेस गटर में गिरकर खराब हो गई है और अब उसके पिता उसे बहुत ज्यादा पीटेंगे क्योंकि वह घर अपने कोई भी पैसा नहीं ले जा पाएगी, इसीलिए वह लगातार रो रही है। ना उसके पास जूते हैं, ना ही उसके पास मोजे हैं और उसके सर पर भी कुछ भी नहीं है। स्वालो, एक काम करो, मेरी दूसरी आंख निकाल कर उसे दे दो ताकि वह अपने पिता को दे सके और उसके पिता उसे न मारे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, स्वालो ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम अंधे हो जाओगे। स्वालो, ओ स्वालो, ओ छोटी स्वालो, वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। तो स्वालो ने हैप्पी प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाली और झपट्टा मारते हुए उस छोटी लड़की के हथेली पर वह नगीना डाल दिया। वाह, कितना प्यारा ग्लास है, बच्ची ने कहा और वह हंसती हुई अपनी घर की ओर भाग गई। स्वालो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर गया और उससे कहने लगा, अब तो तुम अंधे हो चुके हो, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं पर रहूंगा। नहीं प्यारी स्वालो, अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें अब इजिप्ट के लिए रवाना हो जाना चाहिए, हैप्पी प्रिंस ने कहा। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और यह कहकर स्वालो हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे सो गया। अगले दिन स्वालो हैप्पी प्रिंस के कंधे के ऊपर बैठ गया और उसे बहुत सी कहानियां सुनाने लगा। वह उसे बताने लगा कि एक लाल कलर का आइबिस नाम का पक्षी है जो कि नाइल नदी के किनारे रहता है और वह अपनी चोंच से सोने की मछली पकड़कर खाता है। स्वालो अगली कहानी ये बताता है कि एक बहुत ही रहस्यवान व्यक्ति है जो कि उतना ही पुराना है जितनी की ये दुनिया। वह रेगिस्तान में रहता है और वह सब कुछ जानता है। इसके बाद एक और कहानी वह सुनाता है कि एक व्यापारी है जो कि धीरे धीरे ऊँटों के साथ चलता है और उसके हाथों में अंबर की माला है। इसके बाद एक और कहानी वह सुनाता है। वह बताता है कि एक पहाड़ों और चंद्रमा का राजा है जो कि बहुत ही ज्यादा काला है और वह हमेशा एक क्रिस्टल की पूजा करता है। स्वालो अगली कहानी ये बताता है कि एक हरे कलर का सांप है जो कि पाम ट्री पर रहता है और जिसे हर रोज 20 पंडित उसे हनी का केक खिलाते हैं। आगे पे ये बताता है कि एक पायजमीज नाम का एक ट्राइब है, एक आदिवासी है जो कि एक बड़े से तालाब में एक बड़ी सी पत्ती पर वहाँ पर टहलता है और वहाँ पर सैर करता है और जिसकी लड़ाई हमेशा वहाँ पर बटरफ्लाईज यानी कि तितलियों से होती रहती है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। प्यारे स्वालो, तुमने मुझे बहुत सी गजब की चीजें बताई,
लेकिन आदमी और औरत के दुखों से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी बड़ा दुख नहीं है और कोई भी बड़ा रहस्य नहीं है। स्वालो इस पूरे शहर से कुड़ान भरो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। स्वालो पूरे शहर में कुड़ान भरता है और देखता है कि जितने भी अमीर लोग हैं वे अपने घरों में मग्न हैं और वे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जितने भी गरीब हैं वे गेट के किनारे बैठे हुए हैं। वह आगे उड़ता है तो वह देखता है कि बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं और वह पुराने खंडर गलियारों की तरफ देख रहे हैं। वह और आगे उड़ता है तो वह एक ब्रिज के पास पहुंचता है। ब्रिज के नीचे दो बच्चे लेटे हुए होते हैं और वे अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं ताकि वह एक दूसरे को गर्म रख सकें। उसमें से एक कहता है कि हम कितनी देर से भूखे हैं। इतने में ही वहां पर एक वॉचमैन आ जाता है और उन दोनों को वह चिल्लाता है। उसके चिल्लाने के कारण वह दोनों बारिश में भाग जाते हैं और स्वालो फिर यह सब उड़कर आता है और सारी बातें हैप्पी प्रिंस को बताता है। मेरा पूरा शरीर सोने की पत्तियों से जड़ा हुआ है, इन सभी पत्तियों को ले जाकर उन गरीबों में बांट दो। अक्सर जो लोग जिंदा होते हैं वह ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्वालो सभी पत्तियों को तोड़ कर ले जाता है और उन गरीबों में बांट देता है, जिसके बाद हैप्पी प्रिंस बहुत ही ज्यादा डल दिखने लगता है और उसका पूरा शरीर ग्रे कलर का हो जाता है। लेकिन जितने भी गरीब होते हैं वह खुश हो जाते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं उनके चेहरे पर फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब वह सभी हंसते हैं और खेलते हैं क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए ब्रेड थी। और फिर बर्फ गिरने लगती है। पूरी सड़क को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिल्वर रंग पूरी सड़क पर बिछा दिया हो। सब कुछ बहुत ही ज्यादा ब्राइट और चमकीला दिखाई पड़ रहा था। जितने भी घर होते हैं उनके छज्जों पर भी बर्फ जम जाती है। सभी लोग बर्फ वाले कपड़े पहन लेते हैं और छोटे बच्चे स्केटिंग करने के लिए बर्फ में आ जाते हैं। दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी स्वालो ने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। वह एक बेकरी के गेट के सामने से टुकड़े उठाकर खाता जब बेकरी का मालिक कोई और काम कर रहा होता। वे पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को पूरी तरीके से गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे यह समझ में आ गया था कि वह और भी ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। अब केवल उसमें सिर्फ इतनी हिम्मत बची थी कि वह आखिरी बार हैप्पी प्रिंस के पास एक बार उड़कर जा सके और उसे गुड बाय कह सके। तो वह हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर जाता है और उसे आखिरी गुड बाय कहता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथों को चूम सकता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो लिटिल स्वालो, हैप्पी प्रिंस ने कहा। तुमने मेरे साथ एक लंबा समय गुजारा है, लेकिन तुम्हें मुझे हाथ पर नहीं बल्कि मेरे होठों को किस करना होगा। नहीं नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, स्वालो ने कहा। मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु तो नींद की दोस्त है, क्यों है ना, स्वालो ने कहा। और फिर आखिरकार उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा और फिर नीचे गिर गया और आखिरकार उसने हैप्पी प्रिंस के पैरों में दम तोड़ दिया। तभी मूर्ति के अंदर से एक टूटने की आवाज सुनाई दी। असल में बात तो ये थी कि हैप्पी प्रिंस का दिल दो भागों में टूट चुका था। कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। अगले दिन जब मेयर और टाउन काउंसलर सैर पर निकले तब उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति का जायजा लिया। तब मेयर ने कहा कि यह हैप्पी प्रिंस की मूर्ति कितनी ज्यादा भद्दी दिखाई दे रही है। तो उसकी बात में बात मिलाते हुए टाउन काउंसलर ने कहा, हाँ हाँ वाकई ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा भद्दी दिखाई दे रही है। टाउन काउंसलर अक्सर मेयर की हर बात में हामी भरता रहता था। इसकी तलवार से हीरा गिर चुका है, इसकी दोनों आंखों से भी नीलम गायब है, इसके शरीर पर अब कोई भी सोना नहीं बचा, अब ये किसी भिखारी की तरह दिखाई दे रहा है, मेयर ने कहा। तो बात में बात मिलाते हुए टाउन काउंसलर ने कहा, हाँ हाँ ये किसी भिखारी से भी बदतर दिखाई दे रहा है। मेयर और आगे ये कहने लगा कि और तो और इसके दोनों पैरों के बीच एक चिड़िया भी मरी हुई है, ये कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर एक घोषणा करनी होगी कि किसी भी चिड़िया को यहाँ पर आके मरने की कोई इजाजत नहीं है। और मेयर ने अपनी बात खत्म की तो टाउन के जो क्लर्क थे उन्होंने इन सभी बातों को नोट कर लिया ताकि उन बातों को अमल में लाया जा सके। हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा दिया गया क्योंकि अब वह शहर के लिए बिल्कुल खूबसूरत नहीं रह गया था, ऐसा आर्ट प्रोफेसर ने कहा।
दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। हैप्पी प्रिंस के बचे हुए मेटल को एक भट्टी में डाल दिया गया और फिर यह तय किया गया कि उस मूर्ति की जगह एक नई मूर्ति बनाई जाएगी। इतने में ही मेयर ये बोल पड़ा कि उस मूर्ति की जगह अब मेरी मूर्ति लगेगी। तो इसमें टाउन काउंसलर ने कहा नहीं नहीं वहां पर मेरी मूर्ति लगेगी, और वे दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। और जहां तक मैंने बात सुनी है शायद वो अभी तक लड़ ही रहे हैं। भट्टी में काम करने वाले दो मजदूर आपस में ये बातें कर रहे थे कि ये लेट का दिल भट्टी में भी पिघला नहीं, ये कितनी अजीब बात है, हमें जरूर इसे फेंक देना चाहिए। तो उन्होंने उस दिल को उठाया और कूड़े के ऊपर फेंक दिया, ठीक वहां पर जहां पर मरा हुआ सोलो लेटा हुआ था। भगवान ने फरिश्ते से कहा कि तुम जाओ और इस शहर की दो सबसे खूबसूरत चीजें लेकर मेरे पास आओ। फरिश्ता गया और उसने हैप्पी प्रिंस का दिल और मरा हुआ सोलो भगवान को लाकर दे दिया। भगवान ने कहा तुम एकदम सही चीजें लेकर मेरे पास आए हो। मेरे स्वर्ग का जो बहुत बड़ा गार्डन है वहां पर यह प्यारा छोटा स्वालो गाना गाएगा, और मेरी जो सुंदर सी स्वर्ग सी नगरी है जिसे मैंने सोने से बनाया है वहां पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति इसकी शान और भी ज्यादा बढ़ाएगी। दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो यह बात पक्की है कि आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।